কেরে ধর 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 আর কাজ হয়ে যাবো, একবার কাজ আসা থাকো, একবার একবারে ভাগ করো আর ধরো এন্দর দিয়া হেরা রাত দরকার তোমার হাতের মধ্যে দেব তোমার বারো মধ্যে দেব আগে না ফাক্তর নাম এনে তো আমার হাত ঘুরান লাগবো এর জন্য সুন্দর নেবো না, কিছু দরকার না, চলাচল গরম দেবো না, আর না করিস তুই উঠে থাকা, এতটাই হের দরকার নেই আমার। ঠিক আছে ডাক্তার আমার কাছে কেন, এই যে আমি এই যে শুধু যে এই হাড়া দুলা দুধ আমি দোকান খাই, আল্লাহ রহমত আর কোনো কিছু প্রয়োজন করে না। তো তুই এটা শুনলাম আর গেল নাম কি আর্জেন্টিনার পারবো তাও তুমি ভয় পাও না আমার সবার না এটা তো কষ্ট হচ্ছে না, কিসের কষ্ট বয়সে হবে এক ডাকে ফেছে না কত ওকে কি রে ভয় লাগে কি আল্লাহ আজ হইতে আজ হইতে বিসমিল্লাহ সন্নত লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
মোহাম্মদুর আসুলুল্লাহ 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 ইব্রাহিম রহিম খলিলুল্লাহ খলিলুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আজ হইতে আবাইতে আজ হইতে আব হইতে আইল মুসলমান আইল মুসলমান বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ সন্নত সন্নত লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর মোহাম্মদুর আসুলুল্লাহ আসুলুল্লাহ ইব্রাহিম রহিম খলিলুল্লাহ খলিলুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আজ মোহাম্মদুর মোহাম্মদুর আসুলুল্লাহ আসুলুল্লাহ ইব্রাহিম ইব্রাহিম सऊदी अरब में रमजान के दौरान बनाए गए नए नियमों पर विवाद हो गया और कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर भड़क गए, क्योंकि 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के महीने में सऊदी अरब जाने वाले लोगों को सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। वहां सरकार ने इससे जुड़े 10 पॉइंट वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं और रमजान के दौरान इनका सख्ती से पालन करने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने ये कड़े नियम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कई मुस्लिम इससे नाखुश बताए जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर की संख्या कम करने का फैसला किया। इसके अलावा दान देने पर और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई। साथ ही रोजेदारों पर भी नजर रखी जाएगी और उन्हें इमाम की निगरानी में भोजन मिलेगा, जिसे मस्जिद परिसर में तैयार किया जाएगा लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। और इस दौरान मस्जिद के इमाम इन सारी तैयारियों पर नजर रखेंगे और अपनी देखरेख में रोजेदारों को वो खाना बंटवाएंगे। सऊदी अरब में पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था और इस बार भी वहां अजान के दौरान लाउडस्पीकरों की आवाज कम रखी जाएगी। यही नहीं, उनकी संख्या कम करने की भी तैयारी है। इसके अलावा बच्चों को मस्जिद लाने पर रोक लगाई गई है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि ये सारे नियम रमजान के दौरान शांति और साफ सफाई बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर भड़के हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन नियमों से इस्लाम का असर कम होगा। यानी एक मुस्लिम देश के बनाए गए नियमों का मुस्लिम समुदाय ही विरोध कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने सफाई दी और दावा किया कि इससे रमजान के दौरान लोगों को सुविधा होगी और मुस्लिम समुदाय एकजुट होगा, लेकिन उसके नए नियमों ने एक नया बखेड़ा तो खड़ा ही कर दिया जो सऊदी अरब के